मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में। आज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊं उनसे पहले उन सभी लोगों को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका या तो आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी या फिर कोई स्पेशल डे है। आप बहुत एंजॉय करें आज के दिन को। अगर आपके पास समय होता है तो आज आप किसी भी गौशाला में जाकर लापसी या गायों को अपने वजन के बराबर गेहूं का और अपने वजन के बराबर चारे का दान अवश्य करिए। आज 27 जनवरी, आप सभी ने कल गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया होगा और आज संडे है और रामानंदाचार्य जी की जयंती है। चंद्रमा की बात करें तो चित्रा नक्षत्र के तुला राशि में दोपहर को 2:23 तक रहेंगे, उसके बाद रहेंगे तो तुला राशि में लेकिन स्वाति नक्षत्र में। माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि आज दोपहर को 3:01 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि रहेगी। शुभ दिन के साथ साथ आज ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग जैसे बोधादित्य योग, सुनफा योग, चंद मंगल और गुरु का परिवर्तन राजयोग, शंख योग का साथ मिलेगा। आज अगर आपको शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यात्रा, खरीदारी या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करना है या फिर कोई फैसला लेना है, कोई स्पेशल काम करना है तो आप टाइम नोट करें 10:15 से 12:15 और दोपहर को 2 से 3। कोशिश करें कि 4:30 से 6 तक राहुकाल के समय ये शुभ कार्य न करें। मैं आज गुड़गांव यानी गुरुग्राम में हूँ, 2-3 फरवरी को कोलकाता में हूँ, 4 फरवरी को भुवनेश्वर, 5 फरवरी को जमशेदपुर में रहूंगा और 9 फरवरी को मैं जोधपुर राजस्थान में मिलूंगा। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, 16 फरवरी को मैं काठमांडू, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा, 9 और 10 मार्च को मैं सिंगापुर में रहूंगा। अगर आप इन शहरों या देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी को इसका स्वागत करता हूं। अब आपको आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र बता रहा हूं, हो सके तो इसे अपनाइएगा जरूर। सफलता की दौड़ वही जीतता है जो सही सूझबूझ के साथ सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है, बहकावे में नहीं आता है। खुद की काबिलियत को पहचानो और सूझबूझ से आगे बढ़ो, सफलता आपका इंतजार कर रही है। ग्रहों की बात करें तो आज कर्क राशि के राहु रहेंगे, तुला राशि के चंद्रमा रहेंगे, वृश्चिक राशि में शुक्र और गुरु रहेंगे, धनु राशि के शनि, सूर्य बुध केतु मकर राशि में रहेंगे, मंगल मीन राशि में रहेंगे। इसी से मैंने आपका आज का राशिफल तैयार किया है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप व्यापार करते हैं तो सिर्फ व्यापार पर ध्यान दीजिए, परिवार के पति पत्नी के संबंधों की तरफ भी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। दो में से जो इंपॉर्टेंट है उस पर आज पूरा ध्यान दें। आज के दिन को पूरे आनंद के साथ जिए। संडे 6 दिन के बाद आता है और जिनकी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको संडे का बड़ा इंतजार रहता है। मुझे ऐसा देखने में मिला है कि ज़्यादातर लोग संडे को लेट उठते हैं, ज़बरदस्ती सोते हैं, 7-8 घंटे की नींद बहुत है दोस्तों, और जल्दी उठें और काम धंधे पर लगें, घर की टूट फूट देख रेख का ध्यान रखें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, परिवार के साथ घूमने जाएं, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं आज आप तो लाभ मिलेगा। संडे को खुलकर एंजॉय करना चाहिए, कुछ थेरेपीज करनी चाहिए, पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का माहौल बनाना चाहिए, बच्चे के साथ माता पिता से जुड़ने का एक अच्छा आशीर्वाद मिलने का समय है। फ्रेंड्स के साथ आज कोई भी ऐसा काम ना करें कि एक सेल्फी लेने के लिए हम किसी ऐसी चक्कर में नहीं फंस जाएं। कई बार लोग पानी में सेल्फी लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बड़ा स्टंट करते हैं, ऐसा कोई काम ना करें क्योंकि आज थोड़ा सा समय ठीक नहीं है जोखिम भरे काम के लिए। स्टूडेंट को संडे का पूरा यूज़ करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि संडे को आप ज़बरदस्ती सोएं या फिर कुछ दूसरे काम करें। आप सुबह उठकर जल्दी सबसे पहले अपने खुद की पढ़ाई के काम निपटाएं, क्योंकि आपके लिए संडे बंडे इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए हर दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एग्ज़ाम के दिन आ गए हैं। जिन लोगों को अर्थराइटिस है, स्पेशल घुटनों में तकलीफ है, उन लोगों के लिए आज टाइम ठीक नहीं है। आज अगर आपके पास समय है तो अपने पूरी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए ताकि अगर कोई भगवान ना करे तकलीफ निकले लेकिन निकलेगी तो उसका इलाज हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लकी कलर आज ऑरेंज है। नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट AMT है। बी और सी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान, आपकी मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार की बीमारी है उसको दूर करिए। मान लीजिए शारीरिक बीमारी है, डॉक्टर पास जाएं, लेकिन मानसिक बीमारी है तो ज्ञान बढ़ाएं, अच्छी किताबें लेकर आएं, अच्छे वीडियोस देखें जिससे मन प्रफुल्लित हो सके, जो आपका पैशन है वो काम जरूर करें। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह दिन आपका आज आ चुका है या फिर आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन को जीने के लिए आज आपको एकांत में बैठकर खुद के गिरेबान में झांककर उसे देखिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, आप अपने स्वभाव को भी और बेहतर कर सकते हैं। उसके संकेत मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है आपका जानना।
कि आपके स्वभाव में कैसे परिवर्तन आप ला सकते हैं। परिवार के साथ आज समय बिताइए और अपनी गलतफहमी को दूर करने का काम करिए। परिवार में सभी के स्वास्थ्य के बारे में आज आपको ध्यान देना चाहिए। बच्चों का अगर होमवर्क अधूरा है या फिर रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ है पढ़ाई में, तो आपको सुबह उठकर सबसे पहले यही काम करना चाहिए, 4-5 घंटे तक लगातार पढ़ाई करें, उसके बाद खेलकूद और दूसरे काम कर सकते हैं। माँ बाप एक गलती हमेशा करते हैं कि बच्चों को समझाने का काम ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझने का काम समय पर आप शुरू कर दीजिए, तकलीफ कम हो जाएगी। डांट डपट मारपीट का समय अब जा चुका है, अब वो दौर नहीं रहा, अब प्यार मोहब्बत से दोस्त बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन होता है आप सभी के लिए संडे, उस संडे को ऐसी जाया मत करिए, बॉन्डिंग मजबूत करिए परिवार के साथ। लव लाइफ में आज हसीन शाम आपकी गुजरने वाली है। लकी कलर येलो, नंबर 9 शुभ है, शुभ अल्फाबेट BJR है। DF से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान आज कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम को, जो भी आपके काम पेंडिंग है उसकी तरफ ध्यान दें, ताकि आप अपने हायर एजुकेशन, अपने ज्ञान, अपने वर्कहॉलिक तरीके से, एक काम में पैशन की तरीके से बढ़कर आप अपने काम को पूरा कर सकें। संडे के दिन को सही तरह से प्लान करें और यह संडे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बिताएंगे तो आज बहुत आशीर्वाद मिलेगा। जैसे कोई घर परिवार में बीमार है उसे मिलने जाइए, तकलीफ को दूर करिए। किसी गरीब लोगों की अनाथ आश्रम में किसी भी जगह पर डोनेशन दीजिए और किसी हॉस्पिटल में जाकर कुछ करिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्लेसिंग की आपको जरूरत है और उनको आपकी जरूरत है। उसके बाद समय मिले तो फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाइए, पिकनिक करिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए, किसी झील के किनारे बैठकर बहुत अच्छे ढंग से किताब पढ़िए, मजा आएगा। कोशिश करें कि परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आज जरूर करें। अपनी जिम्मेदारियों को लिखें कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है। हमेशा लोग ये सोचते हैं, या ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, मेरे पास काम बहुत है, हर कोई मुझसे ही उम्मीद लगाता है। और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाइए। लव प्रपोजल देने का आज बहुत अच्छा दिन है। अगर आपके प्यार में कोई तकराहट है तो निश्चित रूप से आज आपकी वो तकराहट दूर हो सकती है। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में आ रहे स्ट्रेस को कम करने के लिए आज परफेक्ट डे है। कोशिश करें कि आज शाम को ना सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की जाए। स्वास्थ्य पहले से बेटर हो रहा है। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 6 शुभ है, शुभ अल्फाबेट BST है। AG से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपनी माँ की तरफ होना चाहिए। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य, स्पेशली माँ, मैंने आपको वैसे जनवरी मंथ का जो स्पेशल राशिफल मैं अलग से करता हूँ पूरे मंथ का, उसमें बताया था कि 27 जनवरी को चंद्रमा चौथे रहेंगे, हो सकता है कि कुछ आपको मानसिक अशांति दे दे, तो आज कूल रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। आज आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर बिजनेस, जॉब, परिवार की किसी समस्या के विशेष आप को कष्ट जो है उसका समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहें। नहीं, एक दूसरे की अच्छाइयों को बताइए, आज तारीफ करिए, सच्ची तारीफ कीजिए, लाभ बहुत मिलेगी। या कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो आज परफेक्ट टाइम है। कुछ थेरेपीज लीजिए ताकि माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, किसी स्पेशल आइटम को खरीदने का आज बहुत अच्छा टाइम है। मोबाइल भी खरीदा जा सकता है। पेंटिंग करें, अपने पैशन का काम जरूर करें। स्टूडेंट कॉम्पिटिशन की तैयारी में कर रहे, तैयारी में जुटे हैं, निश्चित रूप से उनकी तैयारी पहले से बेहतर है। कमर का और कंधे में तकलीफ आज परेशान कर सकती है। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट KUV है। DF से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपनी डिग्निटी, अपने पराक्रम, अपने कॉन्फिडेंस को और बेहतर करने की तरफ होना चाहिए। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक सोच और हालात को बेहतर बनाने के लिए पहल करने का काम आपको करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। घर वालों के साथ मिलकर कुछ अलग और रोमांचक काम करना चाहिए, चाहे पतंग उड़ाएं, क्रिकेट खेलें, पैशन का काम करें। मैं भी कई बार खेलता हूं लूडो खेलना चाहिए, कैरम खेलें या फिर शतरंज खेलें, कोई भी ऐसा काम करें जो साथ में बैठकर खेला जा सकता है, तो रोमांच के साथ साथ दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अपना समय उसके बाद एकांत में बैठकर अपने घरेवान में जाकर देखें कि मेरे स्वभाव में और मैं क्या क्या बेहतर कर सकता हूं। कल से जो मेरे मुझे काम करना है, मुझे उसकी रूपरेखा बनानी है, रिसर्च करना और कल से डेवलपमेंट करना है, ये काम आप जरूर करना चाहिए। ऐसे मामलों को आप पकड़ें जो आपके हाथ में नहीं थे, आप उस पर चैलेंज लेकर आगे बढ़ें, निश्चित रूप से आप समाधान प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट को निश्चित रूप से आज जी चुराने का काम होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सुबह उठते सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करते, बाद में हो सकता है मौका ना मिले। लकी कलर लेमन येलो, नंबर 4 शुभ है, शुभ अल्फाबेट AFN है। HK से दूरी बनाकर रखें, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने धन की तरफ होना चाहिए।
माता और पिता के स्वास्थ्य का पूरा चेकअप करवाएं, उनके साथ समय स्पेंड करें और उनके हालचाल पूछें, उनके पैर दबाएं, मालिश करें, चंपी करिए, माता पिता से खूब पुरानी बातें करिए। उनको इतना मजा आता है पुरानी बातें करने में, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, आप तो जवान हैं, तो उनको वापस जवान करने की तरफ ध्यान दीजिए। उनकी पसंद का खाना बनाइए, उनको अच्छी जगह पर लेकर जाइए, डॉक्टर की सलाह से काम करें। निश्चित रूप से हमारे माता पिता के स्वास्थ्य का जिम्मा हमें ही उठाना होगा। आगे बढ़ें और बच्चों में एक उत्साह पैदा करने का काम माता पिता को करना चाहिए और बच्चे खुद सेल्फ मोटिवेशन का ध्यान दें, अच्छा रहेगा। आज किसी भी प्रकार का पेड़ लगाएं, फूल लगवाएं, अपने घर के आसपास कोई गमले लगाएं, बहुत सर्द मौसम है, मजा आ जाएगा आपको। कुछ परेशानी जरूर आपकी जिंदगी में चल रही, उसका समाधान आज आपको खुद ढूंढना होगा। स्टूडेंट के लिए आज का दिन बाकी दिनों से बहुत अच्छा रहेगा। लकी कलर क्रीम नंबर 8 है, शुभ है, शुभ अल्फाबेट एच जे एल है, वही एम आर से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को आज कोशिश करनी चाहिए कि अपने शरीर और मानसिक तनाव को कम करने की कुछ थेरेपी लें, कुछ आराम से बैठें, रिलैक्स बैठें, कुछ ऐसा काम करें जो आपको मनपसंद काम हो आपका। माता पिता और फैमिली के साथ बैठकर अपने किसी परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए विचार विमर्श करें। बिजनेस हो या जॉब हो, वर्क प्लेस पर आ रही समस्याओं के लिए आपको डिस्कशन से लाभ मिलेगा, बातचीत से हल निकलेगा। पूरे दिन को खराब बिल्कुल भी ना करें, बच्चों के साथ भी कुछ समय स्पेंड जरूर करना चाहिए। आज का दिन फैमिली के साथ कहीं पिकनिक स्पॉट, रोमांटिक जगह, रोमांचक जगह पर जाकर आपको जाना चाहिए और वक्त बिताना चाहिए। आगे बढ़ें, स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जरूर जाएं और अध्ययन में आ रहे स्ट्रेस को दूर करने के लिए आपको डिस्कशन करना चाहिए, किसी प्रकार की काउंसलिंग लेनी चाहिए। पेट का दर्द परेशान कर सकता है, खान पान पर विशेष ध्यान दें। लकी कलर आपका ब्राउन नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट के एम एन है, ओ टी से दूरी बनाकर रखें। भाग्योदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज अपना पूरा ध्यान अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कम करना, इनकम को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए। मैंने आपको जनवरी माह के मंथली राशिफल में जो अलग से देता हूं उसमें बताया था कि 27 जनवरी को चंद्रमा बाहरवें रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ आपको मानसिक तनाव दे दे, तो अपना और अपनों का ख्याल रखें और आज थोड़ा कूल रहने की कोशिश करें। जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है या करने जा रहे हैं उस पर आज विचार विमर्श जरूर करना चाहिए और फिर कल फैसला लेना चाहिए। आज आपको चिंता छोड़कर चिंतन की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने स्वभाव को घर परिवार में विनम्र रखने की कोशिश करें। अगर आपको गुस्सा आता है, आप इरिटेशन रखते हैं, या आप बात बात में जल्लाते हैं या गाली गलौज करते हैं, इस सब को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये आपका ही नुकसान कर रहे हैं। आज कहीं से अटका हुआ पैसा या रुका हुआ काम किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ आज किसी ऐसी जगह पर जाएं जो अच्छी शॉपिंग आपकी हो सकती है, घरेलू चीज़ों की, किसी की जरूरत के काम आने वाली चीज़ें की खरीदारी हो सकती है। आज मोबाइल खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ कोई ऐसा गेम खेलें जो बातचीत में बच्चों का मनोबल भी बढ़ाए और बॉन्डिंग भी मजबूत करे। उनके पसंद का खाना बनाएं, उनके साथ घूमने फिरने जाएं। रिलेशन को आज किसी से बिगड़ा हुआ तो उसे दूर करें। आज कोई ऐसा काम करें जो पुण्य का काम हो सकता है, किसी की मदद करने का काम हो सकता है। अपने अध्ययन में परिवर्तन लाना स्टूडेंट के लिए आज बहुत जरूरी है। पेट दर्द की समस्या हल्की सी परेशान कर सकती है। लकी कलर सिल्वर नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट जी एल पी है, वहीं एफ के से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने प्रॉफिट, अपने लाभ की तरफ होना चाहिए। आज का दिन अपने जीवन साथी के साथ बिताए गए लम्हों को आप याद करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी अब उम्र हो चुकी है, उम्र कुछ नहीं होती है। अपने अतीत से सबक लीजिए, भविष्य को भूल जाइए, वर्तमान को इतना बेहतर करिए कि भविष्य अपने आप ही बढ़िया हो जाए। और आज आप इस बात का अनुभव भी करेंगे, आपको लगेगा कि ऑफिस से बाहर भी एक दुनिया होती है, पैसे कमाने के बाहर भी एक दुनिया होती है जो आपके पैशन की है, जो आपको एंजॉय देती है और जो आपको सुकून, एक मस्ती से आपको हंसने का मौका देती है, वो काम आप जरूर करिएगा। परिवार के साथ आज किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाइए, किसी यात्रा पर जाइए, कोई मंदिर पर जाइए, जो आपके धर्म का काम है वो करिए। स्टूडेंट वीकेंड का पूरा एंजॉय करेंगे और आज जल्दी उठकर पढ़ाई करोगे तो लाभ मिलेगा। वहीं आज आप डोनेशन या किसी की मदद करने का काम करेंगे स्टूडेंट, तो निश्चित रूप से आपको ब्लेसिंग मिलेगी और पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। लकी कलर पिंक नंबर 5 शुभ है, शुभ अल्फाबेट पी टी यू है, बी और जी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मगर राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने पिता की तरफ होना चाहिए, उनके आदर्शों की तरफ होना चाहिए। फैमिली के साथ बैठकर बिजनेस या जॉब के कुछ नई प्लानिंग करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उन पर विचार विमर्श करें। और अगर आपको कोई फैसला नहीं मिलता है तो हेड्स एंड टेल करिए,
तो उस पर विचार करिए। परिवार के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है तो उसे बड़े अच्छे ढंग से एक्सेप्ट करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से साथ उसको पूरा करने का ध्यान रखना चाहिए। आज घर परिवार में दोस्तों में अगर कोई बीमार है तो उसका ख्याल करिए, उसकी मदद करिए। माता पिता के साथ किसी धार्मिक जगह पर जाना आज न भूलें। आज कोई ऐसा काम करें जो आपका दिल कहता है कि यार ये काम करोगे तो मुझे मजा आ जाएगा, बाकी सबको भूल जाइए, वो जरूर करें। समाज और कानून विरोधी नहीं होना चाहिए। फ्लैट के लिए या ऑफिस के लिए या किसी मकान के लिए अगर आपका मन है लेने का तो आज बहुत अच्छा दिन है उसे देखने का, फाइनल करने के लिए, तो आगे बढ़ सकते हैं। आज आपको किसी भूमि भवन का विवाद का समस्या का समाधान मिल सकता है। बिजनेस और वर्क प्लेस में आ रहे स्ट्रेस को बाहर निकल कर कुछ थेरेपीज लेकर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज एक दूसरे के घर परिवार में मसाज करिए, चंपी करिए, बढ़िया अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि इससे बॉन्डिंग मजबूत होती है। स्टूडेंट के लिए आज का दिन मौज मस्ती से भरा रहेगा लेकिन पढ़ाई भी ठीक ठाक हो जाएगी। आज आपको अपने स्वास्थ्य में जो मौसमी बीमारी है वो परेशान कर सकती है। लकी कलर पर्पल, नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट CGI है और वहीं DE से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने धार्मिक कार्यों और अपने भाग्य को चमकाने की तरफ होना चाहिए। परिवार में कुछ आर्थिक परेशानी आपके आ रही है, आपको भी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं लेकिन आज उसके लिए निस्तारण करना आपके लिए जरूरी है। परिवार के साथ कोई ऐसी चीज खरीद दीजिए जो कि आपके या अपनों के कुछ काम आ सके, वो काम करेगा। जबरदस्ती के फालतू के शॉपिंग या खर्चा करने से परहेज करना चाहिए। जितना हो सके धन को संभाल के खर्च करना चाहिए। किसी ने सही कहा है और वो वॉरेन बफेट है जिन्होंने शेयर मार्केट बहुत अच्छा पैसा कमाया है। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि जब आप फालतू की चीज़ें खरीदते हैं, हो सकता है आपका खराब समय आ जाए तो फालतू की चीज़ें बेचकर कोई काम की चीज़ खरीदनी पड़ सकती है, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें। बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड एनिमेशन मूवीज दिखाएं, कुछ ऐसा काम कराएं जो देशभक्ति की मूवी हो सकती है। 4D, 3D या 8D भी आजकल आ चुकी है, मैंने भी अभी देखी थी जापान जब मैं गया था। तो आप ऐसा कुछ काम करिए जो टेक्नोलॉजी से आपका एंटरटेनमेंट हो सकते हैं। सेहत से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब आज आपको जरूर मिल जाएगा। आज आपको डॉक्टर नीम हकीम वैदराज को ऐसे मिल जाएंगे जो निश्चित रूप से आपकी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट को एग्जाम तक सोशल मीडिया और मोबाइल से आप दूरी बना के रख लेनी चाहिए क्योंकि ये आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास होना। शरीर दर्द की समस्या आज काफी हद तक हल्की हो जाएगी। लकी कलर ग्रे, नंबर 9 शुभ है, शुभ अल्फाबेट GPU है। सी और डी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान आने वाले समय में, अगर आपको यात्रा कर रहे हैं, यात्रा चल रही है या जस्ट शुरू होने वाली है, उसको और बेहतर किया जाए, सुरक्षित कैसे रह जाए, यात्रा में लाभ कैसे कमाया जाए, इस पर ध्यान दीजिए। वैसे मैंने आपको जनवरी माह के मंत्री राशि वालों में बताया था कि 27 जनवरी को चंद्रमा 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कि आपको या अपनों को कोई तकलीफ दे दे, तो कूल रहें और उनका और अपना ख्याल जरूर रखें और किसी बड़े डिसीजन से आज दूर रहना चाहिए। दिन के पहले भाग में खुद को थोड़ा सा आलस भरा महसूस करेंगे, लेजीनेस रहेगी। जबरदस्ती का 4 बार अखबार पढ़ना, 2 ग्लास चाय पीना और बैठे बैठे मटर गश्ती करना, ये जरूर करें अगर पसंद है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा इसको कम कर दें, बाकी काम को किसी प्रोडक्ट के काम में लगाएं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं और किसी प्रकार के रैश ड्राइविंग करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आज चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है किसी प्रकार का। आज आपको हिम्मत जुटाकर लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकलना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए जिससे चाहे पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, फूल लगवाएं या सफाई का अभियान कराएं, अपने गली मोहल्ले को कैसे बेहतर किया जाए, किसी का वैचारिक मतभेद चल रहा है गरीब घर परिवार गली मोहल्ले में, उसको ठीक करें। आपको व्यवसाय से कुछ समय के लिए आज दूरी बनाकर रखनी चाहिए और पैशन का काम करना चाहिए। फैमिली के साथ पिकनिक स्पॉट या किसी ऐसी धार्मिक जगह पर जाना चाहिए जो कि आपको ब्लेसिंग भी मिले और आनंद भी दे, तो मौज मस्ती से संडे को बिताइए, यही आनंद देगा आपको। फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई का रिविजन ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट को बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ, स्पेशली अर्थराइटिस वाले लोगों के लिए आज दिन ठीक नहीं है। लकी कलर गोल्डन, नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट JLM है। HI से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। राशिफल के बाद आइए संडे को मैं वो खास उपाय बताता हूं जो निश्चित रूप से रविवार को आपका उजाले का वार भी बना सकता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर नोट करें। आज सुबह आप प्रातःकाल उठकर पूरे परिवार के साथ कोशिश करें कि तांबे के लोटे में जल भरें, थोड़ी सी दूर्वा डालें, थोड़ा कुमकुम डालें, कनेर के पुष्प डालिए, थोड़े से गेहूं के दाने डालिए और उसके बाद इस प्रकार रखें, ओम ग्रीणी सूर्याय नमः के साथ एक साथ मंत्र बोलते हुए सब तुलसी के पौधे में पानी डाल दें। एक साथ ना हो सके तो जब जिसको जो टाइम मिलता है वो जरूर करें।
सूर्य की तरह यदि चमकना चाहते हैं आप लोग तो आज तपना भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें या उसे सुने, उसके बाद दिन की शुरुआत करिए। आप खुद कहेंगे कि आज बहुत आनंद आ गया है, एक विश भी आज आपकी पूरी हो जाएगी। ग्रहों का खेल .co.in पर जाकर आप, मेरी वेबसाइट है उस पर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका के सदस्य बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जिससे आपको लाभ मिलेगा और एक अच्छी मासिक पत्रिका पूरे परिवार का ज्ञान वर्धन करेगी। आप उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपका आज का दिन बेहतरीन गुजरे, इस डेली राशिफल के साथ साथ आप मंथली राशिफल भी हमारा देख सकते हैं। उसके लिए यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे अपनी जुबान को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। मेरे सभी प्रिय चाहने वालों, दर्शकों, मैं जब भी इन फूलों को देखता हूं तब एक एहसास होता है कि फूल तो टहनी के सबसे ऊपर वाले भाग में उगे हैं, लेकिन फूल बनना जड़ से शुरू हुआ था, क्योंकि इसे खाद और पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं। क्यों नहीं हम भी एक खुशनुमा जीवन को जिए, हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क के हर रोम में ऐसा फूल उगे। इसमें आपके जीवन में कांटे कौन बो रहा है, यानी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के 9 ग्रहों का हाल, कि कौन से ग्रह आपके विरुद्ध हैं और कौन से आपके पक्ष में हैं। इसके लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। मैं अपना फरवरी और मार्च महीने का स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कड़ी में 2 और 3 फरवरी को मैं कोलकाता रहूंगा, वेस्ट बंगाल, 4 फरवरी को भुवनेश्वर, 5 फरवरी को मैं जमशेदपुर में रहूंगा, उसके बाद 9 फरवरी को मैं जोधपुर हूँ, 13 फरवरी को मुंबई, 14 फरवरी को पुणे रहूंगा, 15 और 23 फरवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 16 फरवरी को मैं नेपाल काठमांडू रहूंगा और 24 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों का खेल है, हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे कर्म है। लेकिन एक परामर्श, आपकी और मेरी मुलाकात निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या का समाधान जरूर कर सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.com।
www.kho.in।